सबसे पहले नवादा के सभी जनता दल यू साथियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी से हम पहले भी रूबरू हो चुके हैं, यहां हम सभी के साथी जिला अध्यक्ष भाई मुकेश विद्यार्थी जी के जिम्मे अब इनको नवादा चलाना है, तो हम चाहेंगे कि ये आप सभी के बीच के साथी हैं, तो आप सभी जरा एक बार कस के ताली बजा के इनका जरा अभिनंदन करिए, इनको विश्वास दिलाइए। और इस मंच पर हम सभी के अभिभावक और मगध प्रमंडल प्रभारी अरुण जी उपस्थित हैं, संचालन कर रहे ललन जी, हमारे नेता बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के शुरुआती दौरों में संघर्ष के समय में कई लोग नवादा से साथ में चल करके अपनी सहभागिता दिखाए हैं। मैं तमाम अभिभावकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ साथ जो व्यक्ति युवा हैं, नए जुड़े हैं, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि संगठन में पुराने जितने भी साथी हैं उनके अनुभव के दम पर, नए साथियों के ऊर्जा बल पर ही संगठन को संगठित किया जा सकता है। जहां तक अगर कोई व्यक्ति अगर भ्रम पाल के चलते हैं कि संगठन किसी के घर से ही संचालित हो सकता है, तो ये जान लीजिए कि जो भी व्यक्ति जनता दल यू का सदस्य बनता है, जनता दल यू और हम सभी के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के विचारों को आगे बढ़ाते हुए हरेक मुकाम तक पहुंचता है। इसलिए अगर कोई भ्रमपाल कहीं खुश है तो उनको खुश रहने दीजिए। हम सभी लोग जो भी जनता दल यू के लोग हैं, सभी लोग नीतीश कुमार जी में आस्था रखते हैं, जनता दल यू में आस्था रखते हैं। क्या आस्था रखते हैं ना? ताली बजा करके नीतीश कुमार जी का अभिनंदन करिए। नवादा से भी आवाज उठनी चाहिए। हम लोग एनडीए की सरकार है बिहार में, केंद्र में सरकार है, और यहाँ बैठक कर रहे हैं, और बगल में भी अगर ना पता चले कि मुकेश विद्यार्थी जी के नेतृत्व में अध्यक्षता में यहाँ बैठक हो रही है, तो क्या फायदा। इसलिए एक बार जोरदार ताली लगा करके यहाँ से ये संदेश दीजिए कि नीतीश कुमार जी का निर्णय काबिले तारीफ है, कार्यकर्ताओं के बीच से चुना गया निर्णय है। और आप सभी को मैं अवगत करा देता हूँ, यहाँ पर मंडल प्रभारी महोदय अभी यहाँ से कहीं गए हैं, अभी जो भी कार्यकारिणी का सदस्य पदाधिकारी राज्य में जो भी बने हैं, उन सारे विषयों पर माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा सीधा डायरेक्शन रहा है, सीधा सीधा उनका आदेश रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये महसूस किया कि हम लोग काम करने के लिए जाने जाते हैं, हम लोगों के कार्यकर्ता मुखरता से चौक चौराहा पर जवाब नहीं देते हैं, इसी का लाभ विपक्षी दल उठाता है। तो हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि जो भी साथी हैं, जो अनुभवी साथी हैं, हमारे अभिभावक हैं, उनसे भी सहयोग लें, और नए साथी सभी लोग चौक चौराहे पर मुखर हो, कहीं किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। नीतीश कुमार के राज्य में हरेक व्यक्ति, हरेक समाज, हरेक वर्ग सुरक्षित है। माननीय मुख्यमंत्री उनके विकास करने के लिए जाने जाते हैं। तो साथियों, मैं नवादा के नए पुराने सभी साथियों से मैं ये निवेदन करूंगा कि हम लोगों की पार्टी है, जनता भी है, दल भी है, और यूनाइटेड भी है। इसलिए जनता दल यूनाइटेड के जनाधार को बढ़ाना है, और हम सभी लोग यूनाइट होकर के 2025 में जवाब देना है। नेता किन कार्यकर्ताओं को टिकट देकर के भेजेंगे, ये नेता का विषय है। किस सीट पर जनता दल लड़ेगा या फिर एनडीए के अन्य घटक दल लड़ेंगे, ये गठबंधन का विषय का है। लेकिन हम सभी नीतीश कुमार जी के सिपाही, एनडीए के जो भी उम्मीदवार होंगे, उनको 2025 में भारी बहुमत से जितवा करके यहाँ से भेजने का कार्य करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सभी से एक बार निवेदन करना चाहूंगा कि 2025